हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज मनीष शर्मा फ्रॉम मेक माय स्टॉक। ये एक क्विक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जस्ट फॉर प्रॉफिट बुकिंग अपडेट्स। मेरे दो तीन ट्रेड्स ओपन थे जो हमने शेयर किया था। एक तो ये थॉमस कुक का स्टॉक का रिकमेंडेशन जो हमने पोस्ट किया था, ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट पे हमने 41-42 के आसपास ऐड करने के लिए बोला था। आज इसमें हाई बना है 51.8 का। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ का हाई दिखेगा, 51.8 का हाई बना है। इसका प्रीवियस ऑलमोस्ट वन मंथ का इसका जो एक हाई है वो भी 51.8 सेम एक रेजिस्टेंस मिले। हमने रुकने के लिए मैसेज दे दिया ग्रुप्स में और हमने भी प्रॉफिट बुक किया। 25% का प्रॉफिट आ चुका है, तो ये ट्रेड में प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर आपने अगर होल्ड किया है, इनफैक्ट इसमें मोर देन 500 लोगों ने ये वीडियो को वॉच किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री बनाया होगा। तो अगर आपने होल्ड किया है तो हमारा ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा जो हमने ट्रेड रिसेंटली शेयर किया था वो निफ्टी का बुलिश बायस्ड हेज ट्रेड था। उसमें हमने 15,000 का कॉल मार्च एक्सपायरी वाला 4 लॉट्स हमने 220 पे बाई करने के लिए बोला था, और इसका जो प्राइस है आज 500 प्लस गया है। 500 तो क्लोजिंग प्राइस ही है, तो ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है। और हमने 4 लॉट्स इसमें बाई करने के लिए बोला था, 4 लॉट इन दिस सेंस। अगर आप इसमें 200 पॉइंट भी देखते हो तो 60-70,000 का ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट हो। और जो 14,000 का पुट है वो 150 पे एंट्री मिला था, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था तो इसमें इसका प्रीमियम डाउन हुआ था ओपनिंग में, तो 150-120 तक ये गया था प्रीमियम जब हमने रिकमेंड किया था तो। और वहाँ से ये डाउन हुआ है 50 तक आया, आई थिंक 40-50 ये ट्रेड कर रहा है। और 1 लॉट ही हमने हेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसमें 1 लॉट ऐड करने बोला था, तो 10,000 का रिस्क था जो कि अभी भी 50 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 7,000 का इस साइड में नुकसान हुआ। तो ओवरऑल इसमें 50-60,000 का प्रॉफिट है अगर ये हिसाब से आपने ट्रेड लिया है लॉट नंबर ऑफ लॉट्स के हिसाब से, तो इसमें अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट मोर देन डबल इसमें रिटर्न आ रहा है। तो इसमें भी हमने प्रॉफिट बुक कर दिया है। पिछले वीडियो में भी हमने बता दिया कि अगर गैप ओपन होता है तो 400 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये ट्रेड भी क्लोज हो चुका है और हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी नेक्स्ट कोई ट्रेड नहीं है, बट मे बी लॉन्ग साइड का व्यू मैं नहीं बनाऊंगा अब। मे बी अगर मार्केट थोड़ा मौका देता है अपसाइड में तो मे बी शॉर्ट का ही मैं सोचूंगा, बट ट्रेड मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर कोई कंफर्टेबल रेंज आता है तो मैं वहां पे ट्रेड शेयर, क्योंकि इंडिकेटर्स में अभी भी सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं आया, तो अभी कोई ट्रेड नहीं है। हमारा स्टॉक्स में एक ही ट्रेड ओपन है अभी भी, 40 सेल केयर का है जो हमने 165 के आसपास ऐड करने के लिए बताया था, वो भी ऑलमोस्ट 175 के करीब ट्रेड हो रहा है, तो वो भी प्रॉफिट में रन हो रहा है, बट अभी वो होल्ड है पोजिशन। तो उसमें अगर कुछ प्रॉफिट बुक करना रहेगा तो मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ होता है तो मैं ट्रेड शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।